हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं, एक फ्रूट प्लांट आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये मेरे एक सीडलेस लेमन प्लांट है जो आज लगभग भारत में ही नहीं और भी बहुत सारे देशों में कमर्शियल फार्मिंग हो रहे हैं इस प्लांट के। तो दोस्तों, इस समय प्लांट में देखिए बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं और अभी प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिस ताकि इसमें सारे फल रह जाए, वही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसका अपडेट भी दिया हूं इसमें किस तरह से अभी फूल के बाद इसमें फल आएंगे, और मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा इसे इस समय फ्लावरिंग समय में किस तरह से क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं गमले के थोड़ा सा कुड़ाई कर ले रहा हूँ और इसमें मिट्टी को थोड़े से हल्के कर लेना चाहिए। और इसमें आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि कोई नया रूट जो है वो टूटे नहीं, तो इसीलिए बहुत सावधानी से और हल्के हल्के ऊपर से थोड़े से मिट्टी को आप कुड़ाई कर ले, और जितने भी गमले में गंदगी हो या वीड्स हो उसे आप पूरी तरह साफ़ कर ले, क्योंकि जब आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो वो पौधे आपका जो खरपतवार है, वीड्स है, वो आपका वो फर्टिलाइज़र को अपने में खींचते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिया हूँ दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। ये करीबन 2 मुट्ठी के करीबन मेरे वर्मी कंपोस्ट है और इसके साथ मैं और कुछ मिला रहा हूँ। देखिए, ये है दोस्तों बोन मिल पाउडर भी आपको 2 से 3 बड़े चम्मच आप ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्रूट प्लांट है, आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट में हम बहुत मेजरमेंट के साथ और हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देते हैं, और ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, थोड़े बहुत ज़्यादा देने पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच बोन मील ले रहा हूँ, और साथ में ले रहा हूँ दोस्तों ये है नीम केक पाउडर। ये आप नीम खली भी आप ले सकते हैं या ले लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आपके प्लांट के जो मिट्टी है वो आपको डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और साथ में देखिए दोस्तों, मैं सरसों खली ले रहा हूँ। अगर आप सरसों खली के पाउडर ले सकते हैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर नहीं थे तो मैं ये छोटे छोटे दाने थे उसे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और साथ में दोस्तों, मैं 1 चम्मच के आसपास इसे पोटाश ले रहा हूँ, जो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और मैं जितने भी फर्टिलाइज़र आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे फर्टिलाइज़र आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़े, और ये फर्टिलाइज़र हर किसी जगह में उपलब्ध होते ही हैं। तो मैं इन सभी को एक साथ मिक्स कर ले रहा हूँ और इसे मैं गमले के ऊपरी सतह पर धीरे धीरे मैं डाल दूँगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको कर देना है, जैसे कि आप गर्मी के समय में पौधों में मल्चिंग करते हैं उसी तरह से इसे आप ऊपर से दे दीजिए। और जितने भी हैं सारे मैं फर्टिलाइज़र इसी में दे दूँगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फ्रूटिंग के टाइम है, इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत ज़रूरत है इस प्लांट को। और मैं देखिए इसे हाथ से ही हल्के हल्के से मिक्स कर दे रहा हूँ मिट्टी को और फर्टिलाइज़र को एक साथ। तो इसी तरह से दोस्तों, आपके भी अगर लेमन प्लांट हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तो मेरे ऑनलाइन ख़रीदा हुआ लेमन प्लांट है और मैं इनका नाम बहुत सुना था, क्योंकि सीडलेस लेमन प्लांट हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर नर्सरी में ये आपको आसानी से मिलेंगे नहीं आपको, ये इसीलिए मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था। और ये मेरे फर्स्ट फ्रूटिंग है, तो मैं इस साल इसे देखूंगा कि इस तरह से मैं कैसे फल ले रहा हूँ। तो दोस्तों, अगला काम है, आपको गमले में पानी डाल दीजिए। मैं 1 मग के आसपास पानी दे रहा हूँ, अगर और भी ज़रूरत हो तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं पानी के लिए। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छे हो तो आप ज़्यादा पानी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लांट में अभी देखिए ढेर सारे फूल हैं, अब आप मिलते हैं 12 रोज़ बाद। देखिए 12 दिन बाद का ये अपडेट है, मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पूरे प्लांट को मैं नहला देता हूँ हर रोज़ की तरह, आज भी नहलाया हूँ, और कितने सारे फ्रूट देखिए इसमें लग चुके हैं। मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया था उसके बाद देखिए फ्लावर ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं हुए हैं, और इसमें से गुच्छे में फल आए हैं। तो हर डाली में देखिए दोस्तों गुच्छे में ही फल है, तो इसमें से हो सकते हैं कुछ फल ड्रॉप कर जाए, कुछ गिर जाए, लेकिन कुछ गिरने के बावजूद भी उम्मीद करता हूँ अच्छे खासे क्वांटिटी में मुझे पहले वर्ष इस पौधे से फल मिलेंगे, क्योंकि गर्मी में नींबू हर किसी को घर को ज़रूरत पड़ते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्हें गार्डनिंग पसंद हो, और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।